हेलो गाइस, स्वागत है अगली वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फैट वुड से फायर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फैट वुड आपकी नॉर्मल वुड होती है जिसमें आपका रेजिन कंटेंट या ऑयल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आपको नेचुरली भी मिल जाती है जंगल वगैरह में, और आर्टिफिशियली भी इसे बना सकते हैं। तो आर्टिफिशियली आप किसी भी वुड को आप वैक्स में या मोम में उबाल लें, बॉयल कर लें, तो वो भी आपका सिमिलर लाइक चीज़ बन जाती है। तो यहाँ मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल भी इसी तरह काम करती है। मैं आर्टिफिशियल अपनी फैट वुड पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि आप फायर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको काफ़ी बारीक, काफ़ी महीन रेशे बनाने होते हैं जो आपका फायर स्टील से आपका स्पार्क को कैच कर लें। तो इसके दो मेथड होते हैं। अगर आपके पास कार्बन स्टील वाला नाइफ है, आपके 90 डिग्री स्पाइन है, तो आप सिंपली उससे स्क्रैप करें, या अगर आपके पास आपकी स्पाइन ऐसे काम नहीं करती है, रेशे नहीं बनाती है, मेरी तो जैसे कि बना रही है थोड़े थोड़े, लेकिन ये भी डल हो चुकी है। आप या तो ऐसे 90 डिग्री स्पाइन से कर सकते हैं, या फिर आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप मैंने बताया कि आप अपने नाइफ के एज से कैसे बना सकते हैं बिना उसको डैमेज करें, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो मैं ऐसे थोड़े से फ्लेक्स बनाता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, तो ये मैंने खुरच लिया है गाइस। तो ये काफ़ी थोड़ा सा खुरचा है, आपका इतना सा टुकड़ा भी आपको 50-60 बार आग जला सकता है। तो ये इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फैट वुड का सोर्स। तो ये फ्लेक्स बन गया, अब इसको जला के देखते हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही स्ट्राइक में जल जाए। ओके, दो स्ट्राइक लगी मुझे जलाने में, लेकिन ये आपकी फ्लेम बन चुकी है। आप इसको इजीली फेदर स्टिक वगैरह में किसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस, कि आप गर्म है कि आप फैट वुड से आग कैसे जला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेपिंग से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।